तो दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों डीएसएसबी के अंदर जो पीजीटी की वैकेंसी आई है, उस पीजीटी की वैकेंसी में हिस्ट्री के लिए जो पोस्ट आई है, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, यानी कहने का मतलब ये है कि DSSSB में पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट के बारे में आप बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या है, योग्यता क्या होगी, तमाम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों को जरूरी हैं। अगर आपने पीजीटी हिस्ट्री नहीं भी फिल किया है ना, तो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो को देख करके। आइए शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले ये बता रहा हूं कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, यानी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप YouTube में जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय डालेंगे, तो ये मेरा लेक्चर आएगा जो लगभग 2 घंटे 3 मिनट का है, जिसने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एक ऐसी स्टोरी की तरह बताया गया है जो बच्चों को भी याद होती है, बुजुर्गों को भी अच्छा लगती है, और हर उस बच्चे को जो तैयारी करता है, हर उस टीचर को जो पढ़ाना चाहता है, ये बेस्ट रहेगा। आप इस वीडियो को पढ़ के कमेंट करे बिना नहीं रोक पाओगे अपने आप को, ये मेरा दावा है। जिन बच्चों को डेट्स की समस्या रहती है कि यार डेट याद नहीं होती, स्टोरी याद नहीं होती, नाम याद नहीं होते, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उन लोगों को यहां से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूं। अगर आप लोग YouTube में जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय, तो ये दिखेगा जिसको चंद दिनों में ही 2,74,000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। दूसरी बात, अगर आपको वहां नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से करिए। अगर वहां भी नहीं मिल रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे नंबर है वीडियो के लास्ट में, वहां से आप लोग मुझसे मंगवा सकते हैं। और पूरा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में जाता है, वो मैं आपको बता ही रहा हूं। करते हैं सबसे पहले अगर टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट पीजीटी हिस्ट्री फीमेल के लिए 24 है और मेल के लिए जो है वो 22 है। हालांकि बैकलॉग की पोस्ट आई, फिर फ्रेश पोस्ट आई, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चे डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो डीएसएसबी तो देंगे ही देंगे, उनको केवीएस देना इसी साल में, दोबारा एनवीएस भी देना है, एटॉमिक एनर्जी भी देना, बहुत सी पोस्ट और भी होती हैं, तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ये है टोटल पोस्ट। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का जो समय है दोस्तों, वो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक है। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, फॉर्म अप्लाई की जो फीमेल की डेट है, मेल वाली जो डेट, क्योंकि मेल का पहले नोटिफिकेशन में आया था, पहले वाले पोस्ट कोड में, फीमेल का बाद में आया, तो मेल की डेट है 14 जनवरी से 13 फरवरी और फीमेल की फॉर्म भरने की डेट है 24 जनवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक रहेगा। अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू हो जाए अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, वेट मत कीजिए। बच्चे लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं, लास्ट डेट में कोई फॉर्म सस्ते तो होने नहीं है, पहले फॉर्म भरिए, न साइट की समस्या न सर्वर की समस्या, जिस दिन फॉर्म भरा आपने तैयारी शुरू करो और बात खत्म। तो इसलिए आप पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी बात रही क्वालिफिकेशन की, अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी मास्टर डिग्री आपकी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। यहां सब्जेक्ट हम बात हिस्ट्री की कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपका मास्टर डिग्री यानी एमए हिस्ट्री होना चाहिए, यह सिंपल और साफ साफ है। दूसरी चीज, इसके साथ साथ आप डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन यानी आपका बीएड होना चाहिए, यह भी इन्होंने कह दिया है। एमए होना चाहिए हिस्ट्री में, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये कहता है कि अथवा यानी पहले वाला कॉलम तो सही रहेगा ही रहेगा, सेकंड वाले के बाद अथवा है तो सेकंड वाले का अल्टरनेट रखा है इन लोगों ने। मैम हिस्ट्री तो चाहिए, लेकिन अगर बीएड नहीं है तो फिर आपका हैविंग ऑब्टेंड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाह रहे हैं हिस्ट्री में, उसका पीएचडी आपके पास होना चाहिए, तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है। पीएचडी भी अगर नहीं तो आपका 12वीं में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन लेवल्स के ऊपर अगर आपका 60% है तो, अगर बीएड नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन आने वाले 3 साल के दौरान आपको यह करना पड़ेगा। यह आपकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन है। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट भी करेंगे, और वीडियो के लास्ट व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, बट यहां पर मैंने कोशिश की आप लोगों को साफ साफ समझाया जाए, एमए हिस्ट्री होना चाहिए, साथ में बीएड हो, कोई भी कमी ना हो। बच्चे बोलते हैं सर एमए हिस्ट्री चल रहा है,
बीएड मेरा चल रहा है, चलने का कोई मतलब नहीं है ना, या तो वही अप्लाई करेंगे जिनका पूरा हो चुका है, चल रहा है, अगर कल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर बाई चांस 1% ना हो तो फिर डीएसएसबी आपको घर आके बोलेगा क्या कि भाई आपका नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, यहां पर कंप्लीट कट है, ठीक है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे कुछ क्वेश्चन बहुत बार होते हैं, एग्जाम सेंटर कहां होगा, दिल्ली एनसीआर में होगा भाई, दिल्ली एनसीआर में होगा, कहीं बाहर नहीं होगा, किसी को लगा ला कि बोर्ड के पास ये राइट रिजर्व होता है कि वो चाहे तो बाहर बना सकता है, बट किसी अगर स्टेट से 10 लाख फॉर्म अलग आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, दिल्ली एनसीआर में ही एग्जाम सेंटर होगा, पोस्टिंग भी दिल्ली एनसीआर में ही होगी, क्योंकि DSSSB दिल्ली के लिए वैकेंसी निकालता है, वहीं एग्जाम होगा, वहीं पर पोस्टिंग होगी, नौकरी यहीं पर करनी पड़ेगी, जहां से भी आप हैं आपको आके यहीं पर रहना पड़ेगा, यानी जॉब के लिए तो ये सिंपल है, एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली एनसीआर, पोस्टिंग आपकी दिल्ली। उसके बाद बात करेंगे पे स्केल की, 9300 से 34800 वाला पे स्केल है, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, तो ये आपका पे स्केल रहेगा, क्योंकि हर कोई पैसे के लिए नौकरी करता है भाई, समाज सेवा कहना, सोशल सर्विस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन परिवार चलाने के लिए, पेट पालने के लिए इंसान को ये चीजें भी चाहिए होती हैं, ये सत्ता ही है, जो भी माने ना माने। मैक्सिमम एज की बात करेंगे 36 साल, 36 जो है ईयर्स है वो मैक्सिमम एज है ये आपका पीजीटी में, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन वाले हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर है, लेकिन जनरल की बात करेंगे तो 36 यहां पर है, 36 यानी 36 के बाद अगर SC ST हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा, OBC हैं 3 साल एक्स्ट्रा, PWD हैं 10 साल एक्स्ट्रा, PWD प्लस SC ST हैं 15 साल, PWD प्लस OBC हैं 13 साल, यानी पीपल वर्क पीपल विथ डिजेबिलिटी, यानी अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको अलग इसमें दिया गया है 10 साल का, तो ये चीजें इसमें हैं, आप लोगों को साफ साफ यहां पर दी गई है। उसके बाद अगर आप दिल्ली में गेस्ट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उनको भी अलग वो दिया गया, वो हमने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया था। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, बच्चे पूछते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1-tier and 2-tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेरिएबल एप्लीकेबल, यानी स्कीम एक अलग से मोड ऑफ एग्जाम सिलेक्शन इन्होंने बना रखा है, जो पैटर्न आपका रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पड़ेगा। अगर हम सिलेबस के हिसाब से बात करें कि एग्जाम कैसे होगा, तो आपके दो हिस्सों में ऑटोमेटिकली है, एक आपका जनरल पेपर वाला है जिसमें आपको 5 पार्ट में दिया गया है, हिंदी आपकी 20 नंबर, इंग्लिश आपकी 20 नंबर, GK 8 नंबर का, मैथ आपका 20 नंबर का, रीजनिंग भी आपका 20 नंबर का, यानी हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग GK और GA करंट अफेयर, ये टोटल मिलाकर के 5 पोर्शन है, इसमें 100 नंबर का पोर्शन पार्ट आएगा, ये आपका जनरल पेपर होगा, जिसको जनरल पेपर भी कह सकते हैं, कॉमन पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो ये तो आपको आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको जनरल और कॉमन पेपर कहते हैं। उसके बाद जो बाकी बचे 100 नंबर का 300 आपका, तो बाकी जो रहेगा आपका सब्जेक्ट पार्ट रहेगा, टोटल मार्क्स यहाँ आपके 200 होंगे, और हिस्ट्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका इंडियन हिस्ट्री है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, चाहे मॉडर्न है, चाहे मिडिवल है, चाहे एंशियंट है, ये सब कुछ इसमें रहेगा। तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जो बच्चे हमारे कोरियर पिछली बार भी KVS वालों को मिले थे, अगली बार भी मिल रहे हैं, तो ये जो DSSB KVS सर्विस के जो है उनको जो हमारे जो सेट जाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली कंप्लीट कवर होता है, जो भी बोर्ड के द्वारा निर्धारित चीजें होती हैं। उसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, 0.25 यानी 1/4 ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक नंबर गया उनमें से जो आपने पहले हासिल कर रखे हैं, 0.25 यानी 1/4 या 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये भी आपको देखना है, ज्यादातर बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते और फिर करके गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे नोट्स वगैरह की, तो बच्चे बार बार पूछ लेते हैं, ये कंप्लीट उसके सैंपल्स होते हैं जो आप लोगों को बाई कोरियर और यहां भेजे जाते हैं, जहां भी आप इंडिया में हैं वहीं पर आप लोग इनको कोरियर कर सकते हैं, गांव में, शहर में, कस्बे में सारे ऑप्शंस होते हैं, जिस तरीके से भी आपको मॉडल हो वो सारी चीजें जारी जाती हैं, और अगर आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो भी हम आपके साथ हैं। आप DSSB, अपना नाम, हिस्ट्री और CT, ये 4 चीजें लिख के आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8447410108,
आपके नंबर को सेव कर लिया जाएगा। जो भी डे टू डे की इंफॉर्मेशन हैं वो आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीजीटी हिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं, और अगर वैसे यूट्यूब पे डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वहां नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना डीएसएसबी नाम, हिस्ट्री और सब सिटी लिख करके, फिर उसके बाद आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री आप मुझे भेज दीजिए, तो वो आप लोगों को वीडियो वहां पर भी लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आप लोगों को सिलेबस बाय कोरियर के थ्रू जो मटेरियल मिलेगा उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों आपको मिलेंगे, उसमें जनरल पेपर भी मिलेगा और सब्जेक्ट भी मिलेगा। और जनरल पेपर में भी हिंदी की अलग बुकलेट होगी हमारी, इंग्लिश की अलग होगी, जीके अलग होगा, करंट अफेयर मैथ का अलग होगा, रीजनिंग अलग होगा और हिस्ट्री सारी चीजें अलग होंगी। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल ऑथेंटिक किया जाता है, क्योंकि हम इंडियंस अगर हमारे सामने किताबें ना, ऑनलाइन कितना देर पढ़ लेंगे, मोबाइल से लैपटॉप से कितना देर बैठ जाएंगे, तो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा सर दर्द आंखें दर्द, कभी नेट है कभी नहीं है कभी सामने, ये बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर हमारे पास किताब है तो आप किताब पे आराम से बुक से आराम बैठ सकते हो, घर पे पढ़िए, छत पे पढ़िए, बेडरूम में पढ़िए, चेयर पे बैठ के पढ़िए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पढ़िए, खेत में जा रहे हैं बाहर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने बैग में आराम से बुकलेट रखिए और एक एक बुकलेट को पांच पांच दस दस दिन में निपटाते चलिए। प्रैक्टिस आप लोगों के साथ में होगी, दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। फिर भी कोई समस्या तो हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है। पिछली बार केवीएस के रिजल्ट हो, सीटेट के रिजल्ट हो, डीएसएसबी के रिजल्ट हो, या फिर आने वाले रिजल्ट हो, पीछे भी हम लोगों ने सर्च किया आप लोगों के, और आगे तो आपके लिए जबरदस्त होने वाला 2020 का साल आपके लिए नौकरी लेकर पक्का आया है। धन्यवाद।